मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मिथुन राशि वालों का 25 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक का समय कैसा बीतेगा। आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें। मित्रों, इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोटका है, तो आप उसे भी देखें। मित्रों, आप में से जो भी जातक, जो भी दर्शक नशा पान करते हो, शराब का सेवन करते हो या धूम्रपान करते हो, तो आने वाले 7 दिनों के दौरान इन चीज़ों को आपको त्यागना होगा। क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप नशा पान को नहीं छोड़ते हैं तो आपके स्वास्थ्य के मामलों में आपका समय, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। मित्रों, आने वाले 7 दिनों के दौरान अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ धन संपत्ति का लेन देन करते हैं, पैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो लेन देन करने से पहले सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपको सारी बातें पता करनी होगी। क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप जल्दीबाजी में धन संपत्ति का लेन देन करते हैं तो धन संपत्ति के मामलों में परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या रहता है, तो उस परेशानी में आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग आपकी सहायता बहुत ज़्यादा करेंगे। और इस कारण से आने वाले समय के दौरान आपके घर वालों के साथ आपका संबंध बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपने अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से कोई वादा किया था, कोई प्रॉमिस किया था, तो आने वाले समय के दौरान अपने वादे को आपको पूरा करना होगा। क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं, अपने वादे से अगर आप मुकर जाते हैं, तो आपके प्रेम संबंध में आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका का साथ, आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। और इस कारण से आने वाले समय के दौरान आपके प्रेम संबंध में परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, लाचार, बेबस, मजबूर और असहाय ऐसे लोगों की सेवा करनी होगी, ऐसे लोगों की सहायता करनी होगी। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।